हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ अंकिता। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस इन्फिनिटी ड्रेप साड़ी ड्रेप इन्फिनिटी स्टाइल साड़ी ड्रेप जो कि है फ्रेंड्स बहुत ही इजी, सुपर इजी। आप चाहो तो इसको किसी वेडिंग फंक्शन में या आप अपने फ्रेशर पार्टी या फेयरवेल पार्टी के लिए भी आप इस तरीके के ड्रेप को ट्राई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में देखते हैं कि आप इस ड्रेप को कितना जल्दी और ईजिली इस ड्रेप को आप ड्रेप कर लेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सो फ्रेंड्स, इस साड़ी को ड्रेप करने के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो अगर आपके पास सैटिन की कोई साड़ी है, सैटिन फैब्रिक का, तो उसको आप अगर चूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए सबसे पहले नॉर्मल जैसे हम साड़ी ड्रेप स्टार्ट करते हैं अपने राइट कॉर्नर से लेफ्ट की तरफ आपको साड़ी को ड्रेप करना होता है। इस तरीके से हम इसे एक राउंड पूरा टक इन कर लेंगे अंदर की तरफ। आप चाहो तो इसे सारी शेप वेयर के साथ भी ड्रेप कर सकते हो। और उसके बाद हम सबसे पहले पल्ला बना लेंगे। और पल्ले के लिए यहाँ पर जो है इसका पल्ला है, साड़ी का जो उल्टा साइड होता है फ्रेंड्स, वो आपको बाहर की तरफ रखना है और जो साड़ी का सीधा है वो आपको अपनी तरफ रखना है। और फिर प्लेट्स बनानी है फ्रेंड्स। इसमें बस यही एक ट्रिक होता है क्योंकि जब हम पल्ला बनाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इस तरीके से अगर आप पल्ला बना लेंगे तो बहुत ही ईजिली आसानी से आपका पल्ला बन जाएगा। और अब हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे नॉर्मल जैसे हम साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं। क्योंकि सैटिन की साड़ी में इसलिए आपको एडवाइस करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही इजीली इसका जो फॉल है बहुत अच्छा आता है, ड्रेप बहुत अच्छा लगता है इसका। सो और ये साड़ी मैंने परचेज़ की है मीशो से। अगर आप चाहेंगे, इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसको आपको क्या करना है, प्लेस करना है अपने लेफ्ट शोल्डर में पीछे से आगे की तरफ। ये जैसा आप देख रहे होंगे, इसको पीछे से आगे की तरफ अपने लेफ्ट शोल्डर में आपको रखना है और इसको अच्छी तरीके से पिन लगा लेना है। बहुत सारे पिन्स का इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। नाउ पिन लगाने के बाद हम यहाँ पर जो अपना नॉर्मल प्लीट्स बनाते हैं साड़ी की, उसी तरीके हम अपनी साड़ी की प्लीट्स बना लेंगे। और जो पहली प्लीट होती है साड़ी की फ्रेंड्स, उसे हमेशा बड़ा रखिए, जिससे कि उसके अंदर जितनी सारी हम प्लीट्स बनाएंगे उसके अंदर की जो प्लीट्स होती हैं वो छोटी रहनी चाहिए, जिससे आपका जो साड़ी की प्लीट्स का फॉल है वो अच्छा आएगा। इसके बाद हम इसे पूरा टाइटली फिटेड नहीं पहन रहे हैं साड़ी, इसको आपको काउल की तरह छोड़ देना है। इसको जो हमने फ्रंट में हम पिन लगाकर प्लीट्स बनाते हैं वो वाला स्टाइल आपको नहीं करना है इसके साथ। अब नाउ इसके बाद अच्छी तरीके से प्लीट्स को कर लेंगे कम्प्लीट। और जो हमारी फर्स्ट प्लीट है उसको हम थोड़ा सा लेग खींच करके और बड़ा कर लेंगे और अपनी प्लीट्स को अच्छी तरीके से अलाइन करके इसे हम टक इन कर लेंगे। नाउ फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक जो पार्ट है वो पूरा हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारी फ्रंट प्लीट है जो कंप्लीट हो गई है और ये काउल वाला जो लुक है वो आ गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम सीधे पल्ले की साड़ी में करते हैं, सेम एज हमको इसका एक ही वाला छोर पकड़ना है और इसको घुमाते हुए, अपने आगे से घुमाते हुए पीछे ले जा करके साइड से जो हमारे लेफ्ट कॉर्नर वाला जो काउल है उसके ऊपर से ला करके हम इसको अपने प्लेट के ऊपर टक इन कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पिन भी लगा सकते हो, मैंने इसे डायरेक्ट टक इन कर लिया है। और इस तरीके से आप पिन जो भी आपकी प्लेट्स हैं उनको आप सेटल कर लीजिए, अच्छी तरीके से अलाइन कर लीजिए। एंड इसको, ये मुझे थोड़ा सा ढीला लग रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने इसको थोड़ा सा और टाइटली अपने प्लेट्स के ऊपर से इसको पिन अप कर लिया है, जिससे इसका ये जो लुक है काउल वाला बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। इसको आप सेटिन की साड़ी में ड्रेप कीजिएगा, ये बहुत खूबसूरत लगता है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फुल प्रॉपर ड्रेप है, इन्फिनिटी स्टाइल साड़ी ड्रेप, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स ये ड्रेप। और बहुत ही बढ़िया लगा, साड़ी कोई संभालने की कोई टेंशन नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इसको एक बेल्ट की तरह साथ भी स्टाइल कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो आप इसको स्टाइल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज़ वीडियो।